Good morning, class 3rd. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your maths period. Take out your maths notebooks. Put today's date. Write down classwork. And write down exercise 6E. Okay? So, yesterday in our live class, we did question number 1 and question number 2 so today we'll do question number 3 okay write down this question replace with this or this okay write down this question replace with or okay now note down this question 1 upon 4 3 upon 8 वन अपॉन फोर थ्री अपॉन एट ऑल राइट अब इसमें दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर ऑल राइट अब देखिए ना इसमें डिनोमिनेटर सेम है और ना ही इसमें न्यूमरेटर सेम है तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे दैट विच वन इज स्मॉलर और विच वन इज ग्रेटर हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे इसका डिनोमिनेटर एट है ना ये बड़ा नंबर है तो अब हम इसके डिनोमिनेटर को भी सेम करेंगे Means हम 4 को भी 8 बनाएंगे। तो फोर को हम एट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है टू टाइम्स सो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे नाउ वन इंटू टू वन टू जार टू अपॉन सॉरी वन टू जा टू अपॉन फोर टू जा एट हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन टू जा टू फोर टू जा एट और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे थ्री अपॉन एट बस अब हमको पता चल गया है इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम पता कर लेंगे ना कि विच वन इज ग्रेटर क्या पढ़ा था हमने अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो लार्जर नंबर होता है वो लार्जर फ्रैक्शन होता है सो टू और थ्री में से विच वन इज लार्जर थ्री सो टू बाय एट इज लेस देन थ्री बाय एट सबको समझ में आया नाउ नोट डाउन दिस क्वेश्चन वन अपॉन थ्री थ्री अपॉन ट्वेल्व बी पार्ट वन अपॉन थ्री थ्री अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन थ्री एंड थ्री अपॉन ट्वेल्व अगेन दिस इज numerator एंड दिस इज denominator राइट right? अब इसका ना तो numerator सेम है और ना ही denominator सेम है तो अब हम क्या करेंगे इनके denominators को सेम करेंगे ट्वेल्व और थ्री में से बड़ा नंबर है ट्वेल्व तो अब हम थ्री को भी क्या बनाएंगे ट्वेल्व सो थ्री को ट्वेल्व बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री को थ्री के टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम जाता है हम उतने नंबर से दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सो थ्री के टेबल में ट्वेल्व आता है फोर टाइम्स सो थ्री फोर जर ट्वेल्व डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई नाउ वन इंटू फोर फोर अपॉन थ्री इंटू फोर ट्वेल्व और इसको हम कैसे लिख देंगे एज इट इज अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं ट्वेल्व ट्वेल्व सो विच वन इज ग्रेटर फोर बाय ट्वेल्व ऑल राइट समझ आया ना सबको नाउ नोट डाउन दिस पार्ट सेवन अपॉन एट टू अपॉन सिक्सटीन ओके सो सेवन अपॉन एट टू अपॉन सिक्सटीन टू अपॉन सिक्सटीन अगेन दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर ना तो इसके न्यूमरेटर सेम है ना ही इसके डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर में सिक्सटीन और एट में से बड़ा नंबर कौन सा है सिक्सटीन राइट right? तो अब हम एट को भी क्या बनाएंगे सिक्सटीन सो एट को सिक्सटीन बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट के टेबल में सिक्सटीन कितने टाइम्स आता है टू टाइम्स सो मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू नाउ सेवन टू जार फोर्टीन अपॉन एट टू जार सिक्सटीन एंड दिस नंबर इसको हम क्या करेंगे एज इट इज कॉपी कर देंगे नाउ डिनोम सेलमी विच वन इज ग्रेटर फोर्टीन और टू फोर्टीन ऑल राइट नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट पार्ट विच इज थ्री बाय फाइव एंड एट बाय टेन सो पार्ट डी बाई फाइव एट बाय टेन दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर राइट अब डिनोमिनेटर्स भी सेम नहीं है एंड न्यूमरेटर्स भी सेम नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे हम इसको भी टेन बना देंगे हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे सो so, फाइव को टेन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइव के टेबल में टेन कितने टाइम्स आता है टू टाइम्स सो मल्टीप्लाई बाई टू सो थ्री टू जर सिक्स अपॉन फाइव टू जर टेन सिमिलरली कॉपी कर दीजिए एट अपॉन टेन को नाउ टेल मी विच वन इज ग्रेटर सिक्स वेरी गुड सो सिक्स अपॉन टेन इज लेस देन एट अपॉन टेन सबको समझ में आ गया ना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम ना हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है नाओ पार्ट ई Part F, Part G, and Part H. These four parts of question 3 are your homework for today. Okay, class? Part E, Part F, Part G, and Part H. These four parts of question number 3 are your homework for today from the exercise 6E. आपको ये फोर पार्ट्स किस में करने हैं अपनी नोटबुक में इन अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ओके क्लास थर्ड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच क्लास थर्ड बाय बाय